आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। एक साहिबा, मैं किसी को पसंद करती थी मगर मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती कहीं और रिश्ता कर दिया और मुझे निकाह करना पड़ा। अब भी मेरा दिल राज़ी नहीं हो रहा, मुझे क्या करना चाहिए? नीज़ क्या ऐसा निकाह शरी तौर पर दुरुस्त हो जाता है? देखिए, अगर आपने हाँ कर दी थी फिर तो निकाह हो गया, अगर आपको रिश्ता पसंद नहीं था आप हाँ करती नहीं। मसला ये है कि लड़की जब अकल वाले हो तो उसकी ज़बरदस्ती शादी जायज़ नहीं है। साफ़ अहदीस हैं इस बारे में, सख्त यानी रिवायात हैं बिल्कुल बेखुबार कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया इस अमल से। तो रहा ये मसला, आप किसी और को पसंद करती थी तो अगर वो ऐसी पसंद थी जिसमें कोई ख़राबी नहीं थी और आपके ख़ानदान का की कोई बेइज्जती नहीं थी उसमें। बाज़ दफ़ा लड़कियाँ ऐसे आदमी को पसंद कर रही होती हैं कि बाप के लिए उसको दामाद बनाना अपनी बेइज्जती होती है, वो इतना ऐसे ख़ानदान का होता है कि वो पूरे ख़ानदान पे एक बट्टा लग रहा होता है उनकी इज़्ज़त पे। मिसाल के तौर पर कोई बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी शादी कर ले किसी बिल्कुल ही एक यानी एक ऐसे कमतर शख्स से, कमतर तो अल्लाह की नज़र में कोई भी नहीं है, यानी दुनियावी लिहाज से कमतर, जैसे एक आदमी ब्रिगेडियर है उसकी बेटी शादी कर ले एक बिल्कुल ही एक किसी चौकीदार से, चौकीदार भी क़यामत में उसका भी वही मकाम होगा जो ब्रिगेडियर का है। लेकिन दुनिया में निकाह तो एक दुनियावी चीज़ है ना, दुनिया में पैरेलल देखना, हमपल्ला देखना बहुत ज़रूरी है कि ये इसके जोड़ का है भी कि नहीं है। तो बिल्कुल ही बेजोड़ जगह लड़की शादी कर रही हो तो फिर वालिद को हक़ हासिल है कि वो उसको मना करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई बहुत फ़र्क नहीं है और पसंद नापसंद की बात है सिर्फ, तो फिर बाप के लिए बेटी को वहाँ शादी करने से रोकना जायज़ नहीं है। और अगर वहाँ शादी बाप करे ना करे, इतना तो ज़रूर है कि जहाँ लड़की शादी नहीं करना चाह रही वहाँ तो बाप बहरहाल ज़ोर नहीं लगा सकता। तो अगर आपकी शादी आपके वालदैन ने ज़बरदस्ती की है तो गुनाहगार हुए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब चूंकि शादी हो चुकी है, आपने चूंकि ज़बान से हाँ कर दिया था, अब हो चुकी है शादी, उसका हुक्म ये है कि भाई अब जब एक काम हो गया तो बाज़ गलतियाँ ऐसी हैं जो रिवर्स नहीं होती, जब हो गई तो अब उसको निभाएँ आप। अगर आपकी शादी हो गई है और आप अब गुजारा करें शौहर के साथ, मोहब्बत करें उससे, लेकिन अगर आप समझती हैं कि किसी कीमत पे आपके लिए उसके साथ गुजारा मुमकिन नहीं है, इतना फ़र्क है मिजाज में या सूरत वगैरह में बहुत फ़र्क आ रहा है, तो या आपका दिल किसी तरह मायल नहीं हो रहा, तो मैं फिर भी मशवरा पहला यही दूंगा कि आप उसके साथ जोड़ पैदा करने की कोशिश करें। फिर भी अगर मायल नहीं हो रहा तो फिर आप शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती हैं कि भाई मेरी तबीयत बिल्कुल मायल नहीं होती आपकी तरफ और मुझे बिल्कुल आपके साथ मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर रही हूँ और मेरा दिल उसी तरफ माइल हो रहा है, मैं जो है वो मेरे अब्बा ने ज़बरदस्ती की है। तो अगर शौहर ये बात सुन के आपको डिवोर्स दे दें तो ठीक है, अगर शौहर तलाक़ ना दें, क्योंकि राइट अब शौहर के पास है, तलाक़ ना दें तो फिर आपको बहरहाल इस शौहर के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा और ना चाहते हुए भी इनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो अब ये गोट आपके शौहर के हाथ में चली गई है, तलाक का इख्तियार अल्लाह ने शौहर को दिया है। आप डिवोर्स का मुतालबा कर सकती हैं इस मजबूरी में, मुतालबे में गुनाह नहीं मिलेगा। और शौहर को लालच भी दी जा सकती है कि मैं मेहर भी वापस करने के लिए तैयार हूँ, कुछ इजाफी पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, ये लालच भी दी जा सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती उससे खुला नहीं लिया जा सकता अगर वो हुकूक अदा कर रहा है। तो अगर आपकी इस डिमांड पर शौहर तलाक दे दें तो ठीक है, नहीं देते तो फिर आप उन्हीं के साथ गुजारा करें। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।